तो फिर याद है हपुआ ने कहा कहो तो कहा कहो तो कि अम्मा तुम काय हमारे गुर्दे छील रही हो. अरे फेल ही तो भाई हैं, कौन सा स्कूल से निकाल दें. हमाऊ हपुआ छोटो सो हतो फिर भी कितो समझदार हतो. इसमें समझदारी कहाँ से आई, ये तो बदतमीजी है. घुइया इतने से बालक को पता हतो कि फेल होना कोई बड़ो बात ना है, जिंदगी के हर कदम में फेल होनो पड़तो है. ऐसा कुछ पता नहीं था उसे. हा? ये मतलब तुम निकाल रही हो इतने सालों के बाद. अरे उसने तो कितनी कुटाई की थी उसकी. वो तो हमने ऊपर से गुस्से में की थी, अंदर से तो हम बहुत खुश आते. क्यों झूठ बोल रही हो कट्टो, आज तुम्हें ये सब स्वाद की वजह से अच्छा लग रहा है. एक बात बताओ कि अपने बेटे से प्यार करने में कैसा स्वार्थ है को? 1.5 लाख का स्वार्थ है. भाई हमारा मन करतो है कि बहुत बड़ी पूजा करके तुम्हें कहीं दूर भेज दे. हमें बहुत प्यार है अपने हपुआ से और बा को भी हमसे है, और आज वो अपनो प्यार साबित करेगा. अच्छा क्यों? कि हमारा बालक जानतो है कि हमने बा से कभी कुछ ना मांगो, और जे बात को एहसास होगा हमारे लल्ला को. और आज पैसे लेने के बाद उसने जैसे हमारी तरफ देखो ना, हम समझ गए हपुआ हमारे लाने जरूर कच्चू लाएगो. कंगन, हार, बूंदे, कच्चू भी कच्चू ना कच्चू लाएगा. कमला, यू लुकिंग लाइक न्यूयॉर्क पुलिस. ओह माय गॉड, थैंक यू. अरे चौकीदार, वो वॉचमैन डालना, वो गेटकीपर. हमला फ्यू. ओ साहब जी, चौकी कौवा. सर जी, सर जी, सर जी, जैन सर, जैन सर, जैन सर, जैन सर. अरे घुइया की जैन खोल. हम कितनी देर से सारे पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं, सारे एक एक रुपया है बर्बाद कर रहे हो. हम आओ, क्या कर रहा हो तू, सो रहा हो तू का? अरे अब काम ही करता रहूंगा. Just taking break from this chowkidari. Just 5 minutes. 5 minutes liye maine bas abhi. Break? Kitne din ho gaye chowkidari karte bhai? Nahi, pehla hi din aaj to. Pehle din se break chahiye? Are zyada zindagi mein break lego, zindagi ki tarakki mein break lag jayego. Sare aise kauwa ki tarah ud tod to khatam ho jayego zindagi mein, kachu na ban payego. Pehlo din bhau nahi hai, saro ghoda baith ke soro besaram. Chal ja ke chowkidari kar. कुछ ज्यादा ना चिल्ला रहे. अच्छा है. अरे हाउ 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 हाउ. अरे दादा, पापा जामे का एगू जामे ऐसो कछु ना एगू, तुम्हारे मतलब की चीज ना एगी. अरे मुझे तो लगता है मिठाई का डब्बा है, क्योंकि हलवाई वाला ऐसे ही गिफ्ट रैप करके देता है. चलो पापा मेरे लिए गजट लाए होंगे. हाँ गजब कर रहे हैं बिल्कुल. आजकल कौन सी मतलब स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, जासूसी किताब में पढ़ रही है का? फादर What is this? मतलब this is very beautiful. अरे सब के सब कितना बावले हो रहे. अरे घर पे ही लेकर आए, जब खोलेंगे देख लेना. हाँ जा तो ऐसा मूड बनाए हैं जैसे हरियाणवी पुलिस को पूरा प्रेशर अपनी खोपड़ी पे ले लो हुए. मम्मी कहाँ है तुम्हारी, उन्हीं की लाने हैं जो. मम्मी किचन में है शायद, वो उनकी सहेली आने वाली ना कुछ बना रही है. अच्छा अच्छा बना रही है तो ऐसा करती है, बनाते ही बनाते सरप्राइज कर दे किचन में. आओ पधारो. आए क्या कर रही? जागते रहो. एक माँ का दिल कभी छूट ना बोलतो है. हमारो दिल कह रो है कि आप वो हमारे लाने जरूर कच्चू ना कच्चू लाएगो. अरे उससे थोड़ी पता है कि तुम मन ही मन में उससे गहने एक्सपेक्ट कर रही हो. हाँ? अरे तुम का जानो, माँ बेटे को रिश्तो कुछ अलग ही होता है. ना बेटे को कछु बोलने की जरूरत होती है ना माँ को. बेटा अपने आप समझ जाता है, और हमाओ हप्पा तो दुनिया से न्यारो आएगो.
हमारे भाग कि हमें इतना अच्छो बेटो मिलो है। तुम देखना अब वो हमारे लिए जरूर कछु ना कछु लाएगो। अम्मा देखो ये तुम्हारे लाने ले आए हमारे लाने महाभारत होने वाला है शंख भी जल्दी बजेगो ऐसे क्या देख रही हूँ मैं खोल के देखो कहे जामे हाँ हाँ खोल के देख लो गहना देख के मैं तय करूंगा कि ये तुमसे कितना प्यार करता है बे इंतहा तुमसे प्यार करता है मुझसे भी ज्यादा 1.5 लाख में मां खरीद ली ये का कर डालो ये तो महंगो हार 2.5 लाख को है तो हम 1.5 लाख में ले आए फादर दिस हार इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव वंस मदर नोइंग इट मने तो बापू के नाम के आगे स्वर्गिया लिखा नजर आ रहा से इन दिस केस नरकिया अरे अब का ऐसी लेके देखती रहोगी पहन तो लियो तुमसे ज्यादा थोड़ी कीमती है अपवा तू पहना दे हमसे ना पहनो जाएगा अरे करिश्मा तुम लोग कब आए बस अभी आए तुझे फोन ही मिला रही थी कैसी हो लाली बस बढ़िया तुम कैसी हो हम तो अच्छे हैं सुनो करिश्मा हाँ तुम्हें थैंक यू बोल रहे हमारे एक फोन पे तुम दोनों आए गए अब इसमें थैंक यू की क्या बात है पता है जैसी तेरा फोन आया ना फौरन मेरे तो एंटीना खड़े हो गए बता ना क्या सरप्राइज है अरे तुम्हें जीजा है ना हाँ? हमारे लाए 2.5 लाख को हार ला रहे अपने 3.5 लाख को 3.5 या 2.5 3.5 तो पहले 2.5 की बोली अरे हार 2.5 लाख को है टैक्स के पास 3.5 को आएगा ना तो दिखा ना फिर जल्दी से हाँ हाँ इनको स्कूटर तो आएगा वह वॉचमैन जी मैडम तुम्हारे साहब कहाँ हैं साहब आ गए जय हिंद मैडम हमने वॉचमैन हो धल्ला हो बड़ा क्यूट है भाई जैसा है तुम आओ चलो अंदर ही हो अम्मा के पास हमें लग रहा है ना सबके सामने हमें हार पे नहीं है चलो लाली चल चल चल, चल हाय हमें तो इतनी खुशी हो रही है इसमें हम कहाँ बताएं सही बताएं देख ही रहे अम्मा अरे करिश्मा लाली तुम दोनों कब आए अभी आए और बिल्कुल सही समय पर आए सही वक्त पर आए देखो हमारे लाने हमाओ हपवा का लाओ है 2.5 लाख को हार 1.5 लाख में अम्मा जी हार तुम पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है तुम्हारे लाने बनो है सिर्फ सही सच कह रही है हाँ अम्मा झूठ कहे बोले हम हाँ तुम्हारे लल्ला तुमसे बहुत प्यार करते हैं अम्मा हाँ हाँ सुनो हमें तुम पे बहुत ही गर्व है अच्छा अम्मा हम इन दोनों को बाहर छोड़ के आए रहे हाँ हाँ चलो तुम दोनों को छोड़ दिया जीते रहे आती रही हो अरे ये तो देखे ना हमने हाय हाय मदर हार गई
बहुत बढ़िया। जे हमें लाने थोड़ा बड़े ना हैं? हैं? थोड़े से बड़े हैंगे ना? हाँ हाँ। बड़े हैं। बाह। अपुआ। अरे यार रज्जू तुम समझने की अरे दादा हाथ सोचो तुम समझने की कोशिश ही ना कर रही हम 10 बार कह रहे हैं हम फंस गए थे वैसे तो बहुत दरोगा बने फिरा तो आज फंस गए तुम अरे यार दरोगा बाहर है थाने में दुनिया में दरोगा है ससुर घर में अम्मा कमिश्नर है घर में एक बीबू है ठीक है जिसे तुम ब्याह के लाए हो भगाए के ना लाए हो ठीक है वही अम्मा कसम खाई है तुमने हाँ कि हमेशा खुश रखे हो तुम अच्छा और तुमने सारे याद करो का कसम खाई थी तुमने भी हमारी कसम खाई थी हम जान ना खाएंगे तुम हम खून ना पिएंगे तुम नहीं मतलब हमारा जो मतलब है कि तुमने देखो नहीं है अम्मा गदगद आ गई एकदम हमें देखो अम्मा ने मतलब तुम वो सीन देखती ना जो कसम खा के कह रहे तुम दिल पे गल जातू दिल बचो ही का है अम्मा तुमने तोड़ के कचरा के डिब्बा में डाल दो है यार तो जामे हमारी का गलती जो बताओ ना ना गलती तो हमारी है हमारी उम्मीद लगा के बैठ गए ना तो हमसे उम्मीद ना लगाओगी तो कौन से लगाओगी ऊपर वाले से लगाए हम कि भगवान हमें उठा ले अगर जो छोटे बच्चा ना होते ना तो भगवान कसम कह रहे हैं अरे चुप करो जी कैसी बात बच्चा सामने लेट रही है जी कैसी बातें कर रही हो कभी सोच समझ के बोलो करो तुम सोच के बोले आते हां अपनी सहेलियन को बुलाए ले हो आओ और वो पीली वाली साड़ी पहन ली और सफेद कुंदन को हार लेके आई हो तुम हां तुमने ना हमें सबके सामने बेइज्जती की नमकीन खिलाई है हप्पू सिंह ध्यान रखियो तुम हम नहीं खुश हो पे अब बहुत होएगा वो माओ अरे यार तो ऐसो तुम्हें सीन ही नहीं है पता हमारी बात सुनो तुम पहले पी लो पानी पी लो ससुर देखो हम तुम्हारे ही लाने हार लेके आ रहे थे हम जैसे ही आए ससुर रास्ते में अम्मा मिल गई अम्मा ने देखो हमारे हाथ में जो गिफ्ट को पैकेट है आ गई लिपट गई हप्पू हमारे लाने कालियो गदगद आ गई तो गदगद आ गई तो फिर हम कछु बोल ना पाए मुंह से बस समझा ही ना पाए कि जो कीके लाने हैं असलियत में बस अम्मा ही अम्मा निकल पाओ जब तक वो गड़गड़ा के पहन लो अम्मा के लाए लाए हते अरे बोल देते कि हार नहीं लाई हो हम रह लेते बिना हार के अब ना हार मिलो ना दोस्तन की भी इज्जत हो गई चीज तो घर ही में है ऐसो है आज से तुम छत के ऊपर रहो ठीक है हम संतोष कर लेंगे चीज तो घर ही में है ससुर हम हार से सस्ती हो गई मतलब हमारी कीमत का है तुम्हारी आखन में बताओ कहो गो पानी अकेलो पियो के तुमने ससुर कौन जड़ी बूटी गुस्सा वाली कौन सी ऐसी क्रोधित हो रही हो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी ली जब से आयो तम तम आ रही हो बस वही पी ली है जो हमें बोल रही है कि तुम आज सोयो नीचे उठाओ उठो हम कह रहे उठो जाओ अरे ओ दादा ले जाओ अरे जो कोनो तरीका ओ दादा अरे जो कमर तुम्हें पता है हमारी कमर नीचे अकड़ जाए तुम्हें कमर टूट के वही सही हो जाए तुम्हारे लाए हम By your hand, if you giving me the poison and me laugh, then drink. Oh, so sweet eating, na? Oh, cat. You make this food? Yes, Kamlesh. How sweet. Kasam se, me to pehle hi bol chuka hu aapko, if you bring the poison, me to laugh, drink. Kamlesh, me not understanding. Matlab, this is my tarif or bejati. Forgetting it, Kamlesh. Let's eat. You also hungry? Yes, Kamlesh. My friend is, matlab, hungry niche yahan pe, so how am I eating? Oh, come, sit and share the chair. Okay. Come. Eat it. Yeah, you eating na, Kamlesh? Yeah, I will to eat. Anyway, you like the make food? No, I'm left to eating it. Don't worry. If you like the make the food, me when me earn so many money and me putting the AC in your kitchen. Kamlesh, don't putting AC. You start cooking, na bas. नहीं यार मज़ा अच्छा लगेगा मेरे को ठंडे में अगर खाना बनाएंगे तो. खाने तो तुम्हें बनाना है ना.
एक कुर्सी दो लोग घनी ना इंसाफी से हो क्यों थारे को अंदर चल के खाना खाने में कोई दिक्कत से चल मलाइका ही इज अलोन सैड हंग्री सो जर अलोन सैड एंड हंग्री ऐसा तो दीदी थारे को आधी दुनिया के साथ खाना खाना चाहिए डीप मलाइका ही इज मीनिंग दैट यू नो ही इज माय फ्रेंड दैट इज व्हाई मीटिंग सुन अभी ना वो एक चौकीदार से उसे अपनी ड्यूटी करने दे दोस्ती बाद में निभा लेना तुम यहाँ आलू गोभी पेलते रहोगे चोर पीछे से निकल जाएगा कमलस यू ईटिंग एंड टेकिंग केयर बीइंग स्ट्रांग एंड हिटिंग थीप कैट नो प्रॉब्लम आने दो खत्म है यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा पैर तोड़ दूंगा इस गेट में जो है ना इस गेट में कोई घुसेगा नहीं अगर घुस भी गया ना आधी टांग यहाँ और आधी बाहर कमलस मी ट्रस्टिंग यू ईटिंग ओके रिटर्निंग प्लेट ऑन टाइम ये आई विल ईट एवरीथिंग सुन एक यो गेट ना से एक पीछे भी से घूमता हुआ दिखना चाहिए तू मुझे समझा बाय कमलस बाय यार अरे दादा जो देखो सारू ढोरन की तरह डरो है एक्सेस अरे कमर ही टूट जाती है नीचे लेटने में अरे जन राजेश भी राजेश बहुत ड्रामो कर रही है आजकल अब चैन मिलो नीलेश बाबू का नाम रखेंगे सोनो नीलेश मेरे पास आओ हरकतें कर रहे हुए पेट पे हाथ फेर रहे हुए का नाम रखेंगे गुंजा नाम रखेंगे सारे पहले शादी तो हो जाए तेरी तुम यहाँ हमारे बिस्तर में क्या कर रहे हो हमको लगा कि विमलेश है मतलब एक अलग टाइप का सपना देख रहे थे हाँ वो तो हमें समझ में आ रहा है बड़ो अलग टाइप को सपनों देख रहे हो तो सारे कांड भी बड़ो अलग टाइप को हो जाते हो अबे तो तुम चोर की तरह हमारे बिस्तर में कहाँ आए अच्छा जाकू का मतलब है कि तेरे घर में जब कबू सारे चोर आते हुए तो पहले वो चोरी करते हुए तसल्ली से बाद में तेरे साथ चिपक के सो जाते हुए वो फालतू बकवास मत करो समझे ना मतलब तुम हमारे बिस्तर में कर का रहे हो मतलब ऐसा कौन सा कांड कर दिया तुमने घर में अरे क्या बताएं यार राजेश नाराज हो गई कहाँ अरे यार हार मांगो तो बाने हमने हार खरीदू बढ़िया और जैसे ही लेके आए हार देने हैं तू राजेश के अम्मा को दे दो बुरा लग गो बस बुरा लग गया मतलब राजेश ने चप्पल उतार के तुमको मतलब मानने के लिए नहीं दौड़ी दू दिया नहीं तुम्हारे मुंह में है? अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास हार कैसे आया मतलब इतना पैसा हार अरे पुरानी बिलासपुर की जमीन को एक केस हतो अटको पड़ो तो बाद में जीत गए वहां में मिले पूरे 2 लाख तो 1.5 लाख हमें मिल गए 50,000 जी ने लड़ो केस वकील को दे दे तो फिर बात से कब हो गया अम्मा को लगोगे हमारा लल्ला हमारे लाने का जो लिया होगो अब लिया ने तो राजेश के लाने भी पहले मिल गई तो दे दो हमने अम्मा को हार अब राजेश के बुरो लग गओ बुरो तो अब हमें लग गओ आए, तेरे लाने भी सारे हार लेके आते का हाँ बेटा हार लेके आते क्या मतलब एक बेनी प्रसाद BA LLB के रहते हुए तुम किसी और वकील से अपना केस लड़वाओगे ची दोस्ती के नाम पे थू है अच्छा अच्छा जा बात ना ना वो बहुत पुराना केस है तू मतलब खुद ही चाचा तुम्हारे जो है मतलब हमारे पूज्य पिताजी डोकर तब को फंसो पड़ो तो तब तो तुम वकील भी ना बनी थे चड्डी पहन रहे थे तुम और हम थानेदार ना बने थे पुरानो केस आए नहीं तो तेरे से ही लड़वाते समझ गए सब समझ गए हाँ। वैसे तुम हो ना गुरु इसी लाए मतलब PhD किया है तुमने बेइज्जती में तुम्हारे साथ यही होना चाहिए रूठ जाते हुए बात बात पे चल कोई बात नहीं हंग गई अरे यार ऐसा थोड़ी हो तो है हट अरे दादा पापा कितने बुरे वाले फंस गए ना हाँ तो उन्होंने काम ही ऐसे किए उनको मम्मी को नहीं डायरेक्टली दादी को हार देना चाहिए था गलत चमची
हार मम्मी ने मांगू हतु दादी ने नहीं मांगू हतु तू पापा को ना मम्मी को हार देनू हतु ओ हतो हतो तो क्या वो तो दादी का इतना बड़ा दिल है इसलिए दादी कुछ नहीं मांगती है पर पापा को समझना चाहिए ना अरे तो अगली बार समझ लेते चमची अगर मम्मी ने हार मंगवाया था तो फिर दादी को क्यों दिया क्योंकि दादी पापा की मम्मी है इसलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू चमची जी बात के लिए तो हमें पता जासूस बिठाने पड़ते हैं ऐसे खुफिया तरीके से तब हमें पता चलता कि दादी पापा की का लगते हैं चमची तू ही सोच अगर पापा तेरे लिए ड्रेस लाए और मेरा इमोशन देख के वो ड्रेस मुझे दे दे तुझे कैसा फील होगा बहुत अजीब एग्जैक्टली पता नहीं मेरी ड्रेस तुझ पे फिट आएगी या नहीं समझी नहीं जी सुनो चमची रानी मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ भी हो किसी की चीज किसी और को नहीं देनी चाहिए एक काम करता हूँ मैं दादी को जाके सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि किसके लिए पापा हार लाए थे ए, खबरदार अगर कोई यहाँ से हिला तो और ये बात कोई भी